बस अब जल्दी से बनारस मिष्ठान वाला हलवा लेकर आ जाए, तो हम उस हलवे को इस कढ़ाई में डाल दें। अगर हमने हलवा बना दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि हलवा है या सूजी या फिर चीनी का मिक्सचर। हम महापंडित को नाराज होते हुए झेल सकते हैं, लेकिन अगर सोम नाराज हो गया तो हमारा स्विट्जरलैंड में तो हनीमून का प्लान ही चौपट हो जाएगा। नहीं, ये डिलीवरी वाला काम मर गया, फोन लगा के देखते हैं। ट्विंकल बिटिया, हलवा बन गया? जी दादी, हलवा बन गया। लाल, जरा चख के देखे कैसा बने। हाँ दादी, हलवा अच्छा ही बना है। आपको हम पर शक है क्या? नहीं बेटा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम ये चेक करने आए हैं कि हलवे में कोनो कमी तो नहीं रह गई। कहा है कि महापंडित जी बहुत नाराज हो जाएंगे। तो हाँ, दो ना प्लेट में डाल के हम चख के देखेंगे। अरे दादी, हलवा तो पहले मृत लोगों को खिलाने के बाद ही हम किसी को खिला सकते हैं ना, पर आप तो अभी जिंदा है। हमारा मतलब कि दादी, आप तो जिंदा है ना, आप अपनी बहू यानी हमारी प्यारी सासु माँ के लिए ये पूजा करवा रही है। पूजा में भोग की वैल्यू तो पता है ना आपको? पता है, अब रेखा मम्मी जी को बिना भोग लगाए हम आपको कैसे खिला सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, अब महापंडित भी नाराज हो जाएंगे। बेटा कहा है कि ट्विंकल बेटा, अम्मा ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, चक्कर आ रहे हैं इनको। अम्मा चक्कर आ रहे हैं आपको? हाँ देखा देखा, चक्कर आ रहे हैं। अम्मा को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, ये सब पूजा पाठ जो है धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ा सा चखा दो इनको, चिंता मत करो, महापंडित जी से हम बात कर लेंगे। चखा दो ना थोड़ा सा। ठीक है, कर लीजिए बात, महापंडित जी भी आ ही रहे हैं। अब हम भी उनसे बात कर लेते हैं कि आप दोनों भोग का हलवा पहले चखना चाहती हैं। दे दे क्या? नहीं, तो हम पर बबूती डाल के यही भस्म कर देंगे। निकलो, हमें नहीं भस्म होना, कहीं ऐसा ना हो 4 दिन के बाद जे हमारे ही भोग के लिए हलवा बना रही हो। कचरी, तुम हमें पलटवा दो, यहाँ पीछे मुड़े। चलो चलो, चक्कर आ रहा है, खाएंगे ना? ना हम नहीं खाएंगे। रिंग जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये डिलीवरी वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये हमारी इज्जत की अर्थी उठवाएगा आज। अरे बेवकूफ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? और तुमसे कितनी बार कहा था कि घर के पीछे के दरवाजे पे आना और वहां आकर हमें फोन करो। अब जल्दी से आ जाओ घर के पीछे के दरवाजे पे, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं।